Hello, my dear students. Good morning, all of you. As you know very well that our topic, our poetry part has been completed. And today I am going to start a new topic, that is letter writing. Okay, let's learn. Look at the word. Letter writing is of two types. Letter writing है वो दो तरह की होती है, जैसे कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. लेटर है वो दो तरह का है, फॉर्मल और इनफॉर्मल. और फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब देखो, अब फॉर्मल मीन्स या हिंदी में औपचारिक एंड इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक. अब ये बात तो ठीक है, लेकिन फॉर औपचारिक एंड अनौपचारिक है उसका भी जैसे कि क्या मतलब है. फॉर्मल लेटर्स है वो डिपार्टमेंटल और इंस्टीट्यूशनल होते हैं. डिपार्टमेंटल मीन्स विभागीय और इंस्टीट्यूशनल मीन्स संस्थागत. और औपचारिक का और मतलब देखो यहाँ पर, इसमें क्या है औपचारिक में, फॉर्मल में क्या है, जो लैंग्वेज है वो क्या है, हमेशा फॉर्मल होती है. इट कैन बी रिटन इन ए फॉर्मल लैंग्वेज और इट इज रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज. फॉर्मल लैंग्वेज, इसमें जो लैंग्वेज है वो औपचारिक होती है. और इनफॉर्मल है उसमें जो लैंग्वेज है वो, जैसे कि इट इज रिटन इन ए इनफॉर्मल लैंग्वेज, इसको इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है और ये फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है. अब बात यह आती है कि वही बात है यहां पर, फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज का मतलब क्या है. तो इसमें क्या है, फॉर्मल में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. इसमें क्या होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ये नियमानुसार होता है. और इसमें जो लैंग्वेज है उसमें कोई निश्चित रूल्स नहीं होते हैं, जैसे कि देर इज नो डेफिनेट रूल टू राइट दिस वन. इसको लिखने के लिए क्या है, कोई निश्चित रूल नहीं होता है. अब अपनी लैंग्वेज में अपन अपने अकॉर्डिंग क्या है, जैसे कि लेटर्स लिख सकते हैं. अब जैसा कि देखो, मेन यहां पर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस हियर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल है वो विभागीय होता है, ऑफिसर्स को लिखा जाता है, संस्थाओं के प्रधान को लिखा जाता है. और इसमें लैंग्वेज है वो औपचारिक होती है और नियम के अनुसार इसमें लिखा जाता है. अपन अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं लिख सकते, जो जरूरी है वो ही लिखा जाता है. इनफॉर्मल लेटर्स हैं वो किसको लिखे जाते हैं, लेटर्स टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. ये रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स मतलब अपने सगे संबंधी और फ्रेंड्स मतलब मित्रगण, उनको लिखे जाने वाले लेटर्स है. इसीलिए इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या होती है, इनफॉर्मल होती है. इसको इनफॉर्मल वे में लिखा जाता है और इसके लिए कोई डेफिनेट रूल की जरूरत नहीं होती है. बस ये मेन अंतर है, इनफॉर्मल है ये अपने सिलेबस में नहीं है और फॉर्मल है ये अपने सिलेबस में है. इसीलिए अपन देखो अबे आगे फॉर्मल की चर्चा करते हैं. तो फॉर्मल लेटर्स है वो मेनली दो तरह के होते हैं. इज फॉर्मल लेटर इज ऑफ मेनली टू टाइप्स, ऑफिशियल एंड बिजनेस. ये दो तरह का है, एक तो ऑफिशियल और एक बिजनेस. ऑफिशियल से आप समझते हो, ऑफिशियल बना है ऑफिस से, ऑफिशियल बना है ऑफिस से, मतलब ये कार्यालय संबंधी.
और ऑफिस जैसा कि आप जानते हो विभाग की भी ऑफिस हो सकती है, किसी संस्था की भी हो सकती है, तो ये ऑफिशियल होते हैं। एक है बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या है, व्यवसायिक, बिजनेस मतलब व्यवसायिक लेटर्स हैं। और हम सबसे पहले शुरू करेंगे ऑफिशियल लेटर को यहाँ पर। तो देखो ऑफिशियल लेटर है ये अलग अलग तरह का है यहाँ पर। इसमें देखो सबसे पहले एप्लीकेशंस, अब एप्लीकेशन है वो ऑफिशियल लेटर सेम है, अलग से नहीं होती है, वही सेम फॉर्मेट है, सेम पैटर्न होता है ऑफिशियल लेटर का और एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशंस, और जैसे कि अपन कह सकते हैं इसको ऑफिशियल लेटर्स, यहाँ पर अपन दो तरह से लेते हैं, एक तो कंप्लेंट लेटर्स मतलब शिकायती पत्र, और एक कॉमन लेटर्स। एक तो कॉमन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और एक है किसी भी कारण से शिकायती जो लेटर है, किसी चीज़ की शिकायत करते हुए कोई समस्या है उस समस्या को बताने के लिए, ये कंप्लेंट लेटर्स हो गए। तो ये दो तरह, तो ये हो गए दो तरह से। अगला अपन तीसरा है लेटर्स टू एडिटर्स, एडिटर्स मतलब न्यूज़पेपर का जो संपादक होता है, एडिटर का मतलब क्या है, संपादक, न्यूज़पेपर का जो संपादक होता है उसको लेटर्स लिखने के लिए, ये तीसरा हो गया यहाँ पर। और एक है लास्ट है जॉब एप्लीकेशंस, अपन यहाँ पर जॉब लेटर्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है, चाहे जॉब एप्लीकेशन कहो चाहे जॉब लेटर कहो, आपको बता दिया जैसे कि इसका फॉर्मेट पैटर्न सेम होता है, एक ही बात होती है। तो जॉब प्राप्त करने के लिए ये अपना चौथा हो गया। तो ये मेनली क्या है, यहाँ पर चार तरह के हैं ऑफिशियल लेटर्स, और जो लेटर राइटिंग है ये एग्जाम में है, जैसे कि आपको इट कवर्स 7 मार्क्स, इट कवर्स 7 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 7 नंबर कवर करता है लेटर, और ये 2 क्वेश्चंस होते हैं लेटर राइटिंग के, और आपको उनमें से एक लिखना पड़ता है, एक अटेम्प्ट करना पड़ता है। अब यहां पर बात आती है जैसे कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक फॉर्मल, यहाँ पर क्या फॉर्मली आता है, ये सिलेबस में नहीं है, फॉर्मल में एक ऑफिशियल आ जाता है या एक बिजनेस आ जाता है, एक ऑफिशियल या एक बिजनेस, या फिर किस तरह से देते हैं, ऑफिशियल में से ही देते हैं, जैसे कि एक इनमें से आ गया कोई कंप्लेंट या कॉमन लेटर आ गया, एक एडिटर लेटर आ गया, ऐसा दे देते हैं, इन दो में से एक करना पड़ता है, या फिर किस तरह से करते हैं, कंप्लेंट लेटर या कॉमन लेटर और जॉब एप्लीकेशन या जॉब लेटर आ गया, इनमें से एक करना पड़ता है। तो देखो कितने तरीके से, एक तो ये इन दो में से, ये जैसे कि क्या है, इनमें से कोई भी एक आ सकता है और एक ही आ जाएगा, या फिर क्या करेंगे, इनमें से कोई दो देंगे, उनमें से आपको एक करना पड़ता है। तो इस तरह से क्या है, ये अलग अलग टाइप्स के लेटर्स हैं, और अपना जो फॉर्मल है ऑफिशियल लेटर्स है वो अपने शुरू कर रहे हैं, ऑफिशियल लेटर को शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। और ये आपको बता दिया कितने टाइप्स का है, इतने का अपन अध्ययन करेंगे और इतनों को हम समझेंगे। और अब आगे देखो फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट ऑफ एन ऑफिशियल लेटर, इसका आप फॉर्मेट देखो, इसका जो प्रारूप है, सबसे पहले देखो लेटर लिखने के लिए आपको सेंडर्स एड्रेस, लिखने वाला है वो अपना एड्रेस लिखता है, सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है यहाँ पर। एड्रेस का यहाँ पर एक निश्चित तरीका है, उस तरीके से ही आपको एड्रेस अपना देना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले हाउस नंबर, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दे दिया यहाँ पर, जैसे कि 16, फिर कोमा लगानी पड़ेगी आपको, 16 कोमा, और इसके बाद में जैसे कि मैंने लिख दिया हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, इस तरह से, ठीक है। और जैसे कि ये लिखने के बाद में मैंने लिख दिया इंदिरा नगर, इंदिरा नगर, और फिर लास्ट में लिख दिया झुंझुनू, इस तरह से। अब ध्यान रखो जैसे कि यहां पर कोमा लगाई है मैंने, यदि आप कोमा यहां नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, यदि आप कोमा नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ये कोमा का मतलब ये है कि ये अलग करके बताया जा रहा है कि 16 है वो हाउस नंबर है, आपके घर का
नंबर है और आपका घर है कौन से एरिया में है, हाउसिंग बोर्ड में है, ठीक है। हाउसिंग बोर्ड के पहले ब्लॉक नंबर भी आ सकता है कि ब्लॉक नंबर कौन सा है और उसमें मकान नंबर कौन सा है, ऐसा भी लिख सकते हो। और ये हाउसिंग बोर्ड है वो कौन से नगर में, तो आपने लिख दिया इंदिरा नगर है, फिर झुंझुनू है, ऐसे लिख दिया आपने। इसके अलावा भी आप देखो यहाँ पर अलग तरह से और एड्रेस आ सकता है कॉलोनी के अनुसार। देखो तो यहाँ पर जैसे कि मकान नंबर हो गया सपोज ग्रो 16 और यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 5 ये लिख दिया। और इसके बाद में क्या आएगा, जैसे कॉलोनी में देखो जैसे कि आनंद विहार और फिर मालवीय नगर, फिर जयपुर कर दिया इस तरह से। कहने का मतलब क्या है, देखो यहां पर कोमा नहीं आएगी। कोमा आगे कब कोमा आती है, यदि मैं आनंद विहार कोमा लगाकर यहां लिखूं तब यहां पर एक और कोमा आएगी इस पार्ट को अलग करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता। जैसे कि हाउस नंबर लिख दिया कोमा लगाकर, एक एक बात ही लिखी जाती है। आपके जो लोकल इलाके से लेकर आपका जो इलाका कौन से एरिया में है उसका नाम लिखा जाता है। इसीलिए जैसे कि पहले मकान नंबर, फिर आपकी गली वगैरह, फिर आपका मोहल्ला आ गया, या कॉलोनी है तो कॉलोनी आ गई, और कॉलोनी कौन से इलाके में वो आ गया, और लास्ट में आपका जो उपनगर या टाउन है वो कहाँ पर है, तो ये वो जगह आ गई। तो इस तरह से एड्रेस लिखा जाता है, ठीक। इसके बाद में बात करते हैं अपन डेट की। डेट में देखो आप जैसे कि डेट की अपन बात करें तो सिर्फ डेट दो तरह से ही यहाँ पर लिखोगे इंग्लिश के लेटर्स में, सिर्फ दो तरह से, आप तीसरी तरीके से डेट नहीं दे सकते। जैसे कि अपन बात करते हैं तो जैसे कि 21st यहाँ पर आ गया 21st और सितंबर या अगस्त करो, यहाँ पर अगस्त और 2020, एक तो ये तारीख हो गई। आप यहाँ पर इस तरह देने के बाद में देखो यहाँ कई कोमा लगा देते हैं, ये कोमा गलत है, या आपको बता दें जैसे कि यहाँ पर कोमा आ जाती है वो कोमा गलत है। ये क्या है, कोमा गलत होती है, सही है। अब कोमा आती है लेकिन आती कहाँ है, जैसे कि मैं कहूँ अगस्त 21st या 21 कोमा 2020, अब यहाँ पर आएगी कोमा। ये कोमा इसलिए आती है कि इनको अलग करने के लिए, वरना क्या ये संख्या एक हो जाएगी, यहां पर कोमा की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से इन दो में से आपको एक डेट देनी है, तरीका यही होना चाहिए। इसके बाद में आप देखो ये एड्रेस देने के बाद में यहां पर नीचे तारीख लिखनी है, लाइन छोड़नी है यहां पर डेट के बाद में। ये लाइन छोड़ने के बाद में रिसीवर्स डेजिग्नेशन का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है पद, और पद से पहले दी आर्टिकल का यूज होता है, ये सारे आप जानते हैं दी आर्टिकल। अब ये रिसीवर्स डेजिग्नेशन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप एग्जाम्पल जैसे कि द प्रिंसिपल, ठीक, द कलेक्टर, इस तरह से क्या है, आप यहां पर रिसीवर्स डेजिग्नेशन का जिक्र करते हो। उसके बाद में एड्रेस के तौर पर जो ऑफिसर है, जो पोस्ट है, उसकी कहाँ की है, जैसे कि प्रिंसिपल आ जाता है तो नीचे क्या स्कूल का नाम आ जाता है, नेम ऑफ द स्कूल, यहां पर आएगा नेम ऑफ द स्कूल, और यहां पर आ गई एरिया या प्लेस, ठीक। और यहाँ पर भी वही है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आ जाता है इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफ झुंझुनू, जैसे कि झुंझुनू की बात करते हैं, और लास्ट में फिर झुंझुनू आएगा, इसका मतलब है झुंझुनू जिले का कलेक्टर और उसकी जो अपने यहाँ पर कार्यालय है, ऑफिस है, वो झुंझुनू शहर में ही है, सिटी में ही है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से ये एड्रेस दिया जाता है। ये एड्रेस देने के बाद में अपन सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं, तो सब्जेक्ट का मतलब विषय। आप यहाँ पर एक फ्रेज के तौर पर
एक फ्रेज के तौर पर या एक जैसा कि आप कहोगे वाक्यांश फ्रेज, ये एक छोटी क्लोज के तौर पर कह सकते हैं, एक शॉर्ट सेंटेंस के तौर पर भी आ सकता है, लेकिन जनरली यहाँ पर एक फ्रेज के तौर पर दिया जाता है। और इस तरह से क्या है, विषय के बारे में बताया जाता है। विषय के बारे में मतलब आप लेटर किस बारे में और किस लिए लिखना चाहते हो, ये दो बात, किस बारे में हुई या किस लिए, इसका जिक्र यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आ जाता है कोई भी, जैसे कि अलग अलग तरह के लेटर्स हैं। लेटर्स में देखो यहाँ पर एक कोई कंप्लेंट लेटर है, शिकायती लेटर है। अब स्कूल की बात है, यहाँ पर स्कूल की बात है, जैसे कि शिकायत के तौर पर क्या है, जनरली ऐसा नहीं, शिकायत तो नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी क्या है, जैसे कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम उसके बारे में, या पोस्ट मास्टर की शिकायत करने के लिए भी लिखा जा सकता है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर जैसे कि कंप्लेनिंग आ जाएगा, कंप्लेनिंग अगेंस्ट अगेंस्ट पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, इस तरह से पोस्ट मास्टर, इस तरह से एक फ्रेज के तौर पर है, पोस्ट मास्टर के खिलाफ शिकायत करते हुए। ठीक है, और यदि जॉब की बात करें तो जॉब की बात करें तो इस तरह से लिख दिया जाता है, जैसे कि फॉर द पोस्ट, फॉर द पोस्ट, या यहां पर आप कैपिटल लिख सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ। अब पोस्ट किसकी है, जैसे कि जॉब किस लिए प्राप्त करनी है या कौन से पद के लिए प्राप्त करनी है, जैसे टीचर है फॉर द पोस्ट ऑफ, या लेक्चरर है एन एक्सपीरियंस्ड, या ए लेक्चरर एन एक्सपीरियंस्ड लेक्चरर, या सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो आप फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर, बस। और यदि यहाँ पर आप इस तरह से लिखना चाहते हो, क्लर्क की बात है तो फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, इस तरह से लिख दिया। यदि कैशियर है तो आपने लिख दिया फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर, इस तरह से लिख दिया आपने। और यदि लेक्चरर है तो आप लिख सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड लेक्चरर, सब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि इन इंग्लिश है, इंग्लिश के हैं तो इन इंग्लिश लिख दिया। इस तरह से आप सब्जेक्ट देते हो, सब्जेक्ट में मतलब आप लेटर लिख रहे हो किस विषय में या किस लिए लिख रहे हो। इसके बाद में सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर संबोधन, संबोधन, संबोधन के तौर पर, जैसे कि सर है, सर से जिक्र किया जाता है। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे कि सर है, इस तरह से सर लिख दिया, नीचे से लिखना स्टार्ट कर दिया। आप ऐसा भी लिख सकते हो सर कोमा, और इसके नीचे से भी ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी सही है। और इसका दूसरा तरीका ये है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी सही माना, सर, सर के नीचे से ही आपने कोमा नहीं लगाई और सीधा लिखना स्टार्ट कर दिया यहाँ से। ठीक, और संबोधन में जैसे कि सर होता है, सर के अलावा आप मैडम भी लिख सकते हो, मैडम। याद रखें जो बिजनेस लेटर है, आपको बता दिया जाएगा बिजनेस लेटर है उसमें डियर सर लगेगा यहां पर, और इसके अलावा एडिटर्स हैं, एडिटर्स के लिए आप डियर सर लगा सकते हो, और नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, लेकिन यहां लगा सकते हो, एक बिजनेस लेटर में डियर सर लगेगा, बाकी कहीं पर भी डियर वर्ड नहीं लगेगा। ऑफिस किसी भी एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में डियर वर्ड नहीं लगेगा। अब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, देखो दैट कैन बी अप्लाइड, एप्लीकेशन का मतलब होता है, जैसे ये एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है यहां पर, दैट कैन बी अप्लाइड, दैट कैन बी अप्लाइड फॉर ए डेफिनेट, फॉर ए डेफिनेट पर्पज, जिसको एक निश्चित उद्देश्य के लिए अप्लाई किया जा सके उसको ही एप्लीकेशन कहते हैं। अप्लाई की जाने वाली चीज है, ठीक है, वही एप्लीकेशन है। ठीक है, इसीलिए यहां पर एप्लीकेशन है वो किसी भी मुख्य उद्देश्य के लिए अप्लाई करने के लिए लिखी जाती है, और वो किसी अधिकारी को लिखी जाती है, इसीलिए उसमें कभी भी डियर सर नहीं लगता, ओनली आप लिखोगे सर,
और यदि मैडम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप मैडम लिखोगे। ये सैल्यूटेशन हो गया। सैल्यूटेशन के बाद में अपन बात करते हैं तो यहां पर देखो बॉडी ऑफ द लेटर, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। यहां पर बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब मेन पार्ट है जो भी आप अपना वर्णन करोगे यहां पर इन टू और थ्री पैराग्राफ्स, दो या तीन पैराग्राफ में। जैसे कि पैराग्राफ बड़े हैं तो दो काफी हैं और छोटे हैं तो तीन है। जहां पर भी आप विषय चेंज करते हो कहने की बात का, वहीं पर पैराग्राफ चेंज करोगे। और लास्ट में एंडिंग लाइन लिखनी है, इससे रिलेटेड है और आपकी मानसिकता के अकॉर्डिंग आप इस बॉडी ऑफ द लेटर का एंड करते हुए एक लाइन लिखोगे। और लास्ट में जैसे कि इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज, ये एक लाइन छोड़ोगे यहाँ पर। लाइन छोड़ने के बाद में कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज का मतलब, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ योवर्स, ये यहाँ पर क्या है, प्रशंसनात्मक वाक्यांश। इसको देखो योवर्स फेथफुली, योवर्स फेथफुली इस तरह से लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो सिंसियरली, या आप लिख सकते हो ट्रूली। और जैसे कि स्टूडेंट टीचर या प्रिंसिपल की बात है तो ओबीडियंटली भी लिख सकते हो, आप ओबीडियंटली भी लिख सकते हो। जनरली ज्यादातर ये चीजें चलती हैं यहाँ। अब सेंडर्स नेम, देखो सिग्नेचर लिख किया जाता है, फिर नाम होता है, सिग्नेचर फिर नाम और फिर कोई पद या इस तरह की कोई पहचान है तो वो। लेकिन जनरली क्या है, सीधा ही सिग्नेचर के तौर पर क्या नाम ही लिख दिया जाता है। तो आप नाम लिखने वाला अपना नाम लिखता है। और डेजिग्नेशन का मतलब है ये इफ एनी, डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर इफ एनी, यदि भेजने वाला लिखने वाले का कोई पद है तो वो लिखा जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, छोड़ दिया जाता है। एनक्लोजर्स इफ एनी, यदि है तो एनक्लोजर का जिक्र करते हैं वरना नहीं करते हैं। एनक्लोजर का मतलब आप उस एप्लीकेशन या लेटर के साथ क्या लगाते हो, उस एप्लीकेशन के साथ क्या लगाते हो, कोई दस्तावेज लगाते हो, डॉक्यूमेंट लगाते हो, तो उसका जिक्र भी करते हो कि मैंने ये चीज लगाई है। जैसे कि जॉब लेटर में लगाना पड़ता है तो इसका जिक्र भी होता है। तो ये अनिवार्य नहीं है, यदि जरूरी है तो ही लिखा जाता है। और यहाँ तक आपका जो ये लेटर है ये कंपलसरी पार्ट हो गया। तो ये आपको, और सारा का सारा देखो इस साइड में, इस साइड से ही लिखना है आपको, उस कॉलम में आपको बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं अपनाना है। तो इस तरह से ये फॉर्मेट है लेटर का, ऑफिशियल लेटर का। ओके दैट्स ऑल इन दिस क्लास, थैंक यू।